नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सतीश भाडेराव। आप देख रहे हो मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी चैनल। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो है फोटोशॉप के रिलेटेड मेरे चैनल पर, 23 वीडियो है। तो आप पूरे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन का भी बटन दबाइए। शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, मैं प्रॉपर तरीके से आपको ये फोटो एडिटिंग करके अभी दिखाता हूँ। कल जो वीडियो किया था वो ऊपर वाले फोटो का, ये इमेजेस मुझे 100% जब क्वालिटी मिल जाती है तो ये रॉ प्रोसेसिंग करने के बाद ही आपको 100% क्वालिटी मिल जाएगी। नहीं तो जेपीजी फोटो में ज़्यादातर तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती। अगर इसके डिटेल देखोगे तो आपको रॉ इमेजेस में ज़्यादा डिटेल नज़र आ जाएंगे, जेपीजी इमेज में ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो मैं रॉ प्रोसेसिंग करके लेता हूँ। मेरे पास फोटोशॉप सीसी है 2017 वर्जन, और जो उसके साथ का जो ब्रिज है उसमें मैं रॉ प्रोसेसिंग करके लेता हूँ। तो मैं आपको रॉ प्रोसेसिंग करके दिखाता हूँ, ओपन विथ कैमरा रॉ। और यहाँ पर मैंने पहले ही उसको एडजस्टमेंट किया है रॉ प्रोसेसिंग पे। तो मैं आपको आगे के सनलाइट का इफेक्ट, ये बाकी के सारे इफेक्ट करने के लिए मैं सीधा ओपन करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको पता ही है रॉ प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है। अगर नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। तो मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर एक्सपोजर है, मैंने हाफ स्टॉप उसको बढ़ाया है 40 तक। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट चेंज किया है। यहाँ पर हाईलाइट भागे, जो अल्ट्रा प्रेस करके चेक कर सकते हैं इसका हाईलाइट कितना हो गया है, वो तो हाईलाइट आप निकल सकते हैं। यहाँ पर शाडोज है, अगर आपकी शाडोज कितनी आ गई है ये शाडोज आप इमेजेस से निकाल सकते हो, क्योंकि रॉ प्रोसेसिंग में ये सारी चीज़ करनी ही पड़ती है। अगर ये प्रोसेसिंग नहीं करोगे तो आपको क्वालिटी नहीं मिलती है। अगर रॉ प्रोसेसिंग पे आप अच्छा काम करोगे तो ही आपको 100% क्वालिटी मिल जाएगी। तो इसमें वाइट है, वाइट भाग आपका ज़्यादा हाईलाइट हो गया हो तो वाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ब्लैक है, वाइट है, यहाँ पर व्हाइट है, ब्लैक है, क्लेरिटी है, वाइब्रेंस है, सैचुरेशन है, ये सब चीज़ सब प्रोसेसिंग रॉ प्रोसेसिंग पर करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो तभी तो एक फाइनल इमेजेस आपको बराबर दिखाई देगी। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। अभी इसके डिटेल जो है वो निकाल दीजिए स्पॉट हीलिंग टूल से। आप जितने भी आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं उतने हीलिंग टूल से आप निकाल दीजिए। अगर कहीं आपको ये जैसे बड़े निकलना है तो आप इसी से ही पैच टूल से ये जैसे हटा सकते हैं। डिलीट कंटेन एवरेज, ठीक है। बड़ा ज़्यादा निकालने के लिए आपको ये कंटेंट एवरेज ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया चेंज। ज़रा अब इसको मैं कटिंग करके लूँगा, ताकि कटिंग भी एकदम छोटी छोटी जगह से कटिंग करना है। बारीक तरीके से आप कटिंग करोगे तो ही आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगा, नहीं तो आप मैजिक टूल से कटिंग जो करते हो क्विक टूल से, तो ये ज़्यादा कटिंग सही नहीं होती है, ताकि इसमें बैकग्राउंड भी रह जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पेन टूल से मैं ज़्यादा डिटेल में इमेजेस निकालना चाहते हो, देखना चाहते हो तो पेन टूल से कटिंग कीजिए, वही सही रहेगा। जैसे कि मैं आपको पेन टूल से कटिंग करके दिखाऊँ तो थोड़ा सा, और वो फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बाकी के आगे वाले के इफेक्ट मैं दिखाता हूँ आपको। आपको छोटी कटिंग करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन इमेजेस आपको एकदम बेस्ट बन जाएगी, आपकी 100% क्वालिटी मिलेगी आपको। सिर्फ इसको कटिंग होने के बाद दो का फिदर देकर आपको काम करना है। ठीक है,
नहीं तो आपको पेंस टूल से आपने कटिंग नहीं की है तो इमेजेस नहीं बन पाती है 100%। कोई एक इमेजेस आपको ठीक है, तो ऐसे कटिंग करके लीजिए आप पूरा ये इमेजेस। तो फाइनल आपली ही कटिंग करून झालेले, ये कटिंग होके गई है। इसमें अभी बैकग्राउंड ऐड करेंगे जो कि इसी सिचुएशन पे, ये फोटो पर वही सिचुएशन वही जगह पे मैंने फोटो क्लिक किया था इसी ऑर्डर पर, तो मैं यही बैकग्राउंड डालूंगा उसके ऊपर। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ सब्जेक्ट को। ओके, सिलेक्ट कर सिंपल डिलीट करना है, और कंटेंट एवरेज, कंटेंट एवरेज पे ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया है बैकग्राउंड यहाँ पर। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर मूव करना है। तो ये कटिंग जो की है इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यहाँ पर पार्ट में भी दिखाई देगी। ठीक है, ये सिलेक्ट रहकर आप ऐसे सिलेक्ट कर उसको दो के फिदर का कटिंग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो कंट्रोल जे, ऊपर लेयर आ गया, और इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ मूव टूल से, या कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और नीचे का बैकग्राउंड यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, अगर मुझे इसको ज़्यादा ब्लर करना है तो मैं इसको एक फेल्ड ब्लर करूँगा, ताकि ये लेंस के जैसे ब्लर इफेक्ट है, बोके इफेक्ट वो मिल जाएगा। ओके, अभी इसके बाल नहीं दिख रहे, कटिंग कर ज्यादा हो गया, तो मैं इसको मास्किंग देकर नीचे का बैकग्राउंड दिखाई देने लग दी, और यहाँ पर देखना चाहिए ओरिजिनल इमेज, और जो है कंट्रोल टी, और इसको जरा लंबा कर ऐसे खींचाता हूँ। ठीक है, और फिर से जूम कर यहाँ पर 30 ऑपेसिटी से ओके। अगर मुझे इसको भी ब्लर करना है तो मैं सेम वही तरीका इस्तेमाल करूँगा, ब्लर गया गैलरी का, और भी मुझे इमेज ज़्यादा ब्लर दिखाई देगी इसमें भी। अगर मुझे कम करना है तो फेड में, फेड बटन का इस्तेमाल करके मैं ऑपेसिटी कम करूँगा उसको।
ठीक है, अब देख लीजिए। और ये सबको मैं फ्लैटन इमेज करके लेता हूँ अभी कंट्रोल ई से, और इसको वेट, और यहाँ पर रेड, ओके, न्यू सेट, और यहाँ से रेड डायल, गलत हो गया, थोड़ा सा उल्टा पलट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसा उल्टा करने के लिए आप यहाँ से चेंज कर लीजिए और न्यू कर कर यहाँ पर सेव हो जाएगा ये कलर, ओके। तो सेव करने के बाद आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी था रिवर्स करने का तरीका, ओके। अब इसको ओवरलाइट पहले नॉर्मल लाइट करके लेते हैं, और इसको सनलाइट से इफेक्ट करना है तो ऐसे कंट्रोल आई, इसको फिदर देना है तो 50 का फिदर, और कंट्रोल आई डिस्कनेक्ट, फिर से कंट्रोल आए, और इसको भी एक फिदर देता हूँ ग्लोशन ब्लर का, ठीक है। 100, टू हंड्रेड, ओके। अब इसको करेंगे स्क्रीन, स्क्रीन करने के बाद अब देखिए इसका स्क्रीन पे सही आई इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कम चाहिए तो मैं कम भी दे सकता हूँ, ओके। स्क्रॉल लेवल
कंट्रोल जी। ओके, कैमरा का ऑप्शन दे दूंगा ताकि अच्छे से नजर आ जाए। ओके, और इसको थोड़ा सा फिल्टर देता हूँ। ये बन गए फाइनल। अब फ्लैटन इमेज। और ये साइड का जो कलर है वो निकालने के लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। न्यू लेयर और ब्रश। ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ पर साइड का कलर लेकर ब्रश से ही काम करना है। फिफ्टी परसेंट ऑपेसिटी। ये पूरा निकाल देता हूँ। चलो, ये सही नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर आंखों का कलर ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है तो मैं उसको
कलर भी दे दूंगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है 50% ग्रे कलर से आप कलर दे दीजिए सॉफ्ट लाइट, और जो ये व्हाइट है ब्रश यहाँ से ऐसे व्हाइट कर ब्राइट कर सकते हैं। थर्टी 35%, और इसको भी थोड़ा सा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बिफोर आफ्टर।